अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRSTN News को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRSTN News में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। कामाख्या भवानी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। शारदीय नवरात्र के बावन अवसर पर पूरे देश में अलग अलग विधाओं और अलग अलग परंपराओं के अनुसार देवी मां की आराधना की जा रही है। इसी कड़ी में अयोध्या से 80 किलोमीटर की दूरी पर रुदौली तहसील क्षेत्र में मुंबई ब्लॉक में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा है और बड़ी श्रद्धा के साथ देवी मां के भक्त मां कामाख्या देवी के दर्शन और पूजन कर रहे हैं। जंगलों के बीच स्थित इस प्राचीन देवी मां के चमत्कारों की कहानियां हैं, इसी कारणवश प्राचीन मंदिर पर भक्त श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो रही है। शौर्य आबादी से काफी दूर जंगलों के बीचों बीच में मां कामाख्या भवानी का यह मंदिर क्षेत्रीय नहीं बल्कि आस पड़ोस के जनपद अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर सहित अन्य जनपदों के भक्तों के लिए भी आस्था का केंद्र है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां कामाख्या भवानी का इतना पुण्य प्रताप है कि जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी उनके दर्शनों के लिए इस मंदिर में आते हैं। का आश्रम है, बहुत गहरा जंगल है। वो दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि गहनम बनम समाध वैश्य तपस्थली, यहाँ पर समाध वैश्य ने तपस्या किया तब देवी जी प्रकट हुई थी सतयुग में। यही कथा देवी भागवत के पंचम स्कंद के 35वें अध्याय में भी पूरी कथा यहाँ की। माता कामाख्या भवानी है यहाँ पे, तो लोगों को मान्यते पूरे, तो क्या विशेष चमत्कार यहाँ पे? यहाँ पर जैसे भक्त आता है अपनी मनोकामना लेकर के, हे माँ हमारे संतान नहीं है, संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। यहाँ नीर माता रानी के नीर आंख में लगाने से, आंख से अगर दिखाई नहीं देता है तो दिखाई देने लगता है। यहाँ पर कई लोग हैं जिनको जब आए थे नहीं दिखाई देता था, उसके बाद में उनको यहाँ से दिखाई देने लगा, वो अपने घर चले गए। आज भी आते रहने दर्शन के लिए, आंख में छींट पड़ जाए, फोड़ा हो जाता है, कहीं भी इलाज कराने से नहीं ठीक होता, लेकिन माता रानी की नीर के लगाने से आंख ठीक हो जाती। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए PRSTN News। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।